आज दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि कोई भी SMPS का पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है और उसका दोस्तों MOSFET ट्रांजिस्टर दोस्तों ख़राब हो जाता है और वह मार्केट में नहीं मिल पाता है। जैसे कि मेरे पास यह देख सकते हैं LED TV का अलग से दोस्तों अडाप्टर है और यह 12 वोल्ट DC और 3.5 एम्पियर का है और दोस्तों यह ख़राब है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें यह MOSFET लगा हुआ था और यह ख़राब हो चुका है और मेरे पास यह नहीं था। और अब मैं आपको बताऊंगा इसे रिपेयर करके कि हम इसके बिना भी हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह है अडाप्टर है LED TV का और चाहे LED TV के अंदर दोस्तों पावर सप्लाई होता है उसे भी आप रिपेयर कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि यह मेरे पास एक मॉड्यूल है और मार्केट में करीब आपको 50-60 रुपये में बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाएगा। और इसे आप किसी प्रकार का SMPS हो, चाहे टेलीविज़न का SMPS हो और या कि फिर आपका LED TV का DVD का दोस्तों यदि पावर सप्लाई ख़राब है, उसका ट्रांजिस्टर MOSFET दोस्तों नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे इसे ठीक करेंगे, तो उसी बारे में दोस्तों एक छोटा सा जानकारी आपको देना है। तो मैंने सबसे पहले दोस्तों इसे निकाल दिया है और इसे भी आपको इस प्रकार से ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर दिया है और इसके बाद मैं इसे दोस्तों इंस्टॉल करके बता, देख सकते हैं दोस्तों इसमें 5 वायर हैं। दोस्तों देख सकते हैं जो आपका ग्रीन वायर है दोस्तों इसे आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाना है और ब्लैक वायर दोस्तों आपको निगेटिव में लगाना होगा मेन फिल्टर कैपेसिटर के। और इसके बाद दोस्तों यह देख सकते हैं जो पीला कलर का वायर है जो MOSFET हमने निकाला हुआ उसके बीच वाले पॉइंट में लगा देना है। ये देखिएगा जो ऑटो कपलर है, तो दोस्तों जो वाइट कलर का वायर है ये ऑटो कपलर का दोस्तों 4 नंबर पिन जो होता है तो उसमें हमें लगाना होगा यह वाइट वायर। जो सफ़ेद वायर है दोस्तों तो हम 4 नंबर पिन पर लगाएंगे, पहले ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पर लगाएंगे वाइट कलर का वायर। और हमारा जो दोस्तों लाल कलर का वायर बचता है तो SMPS में दोस्तों प्राइमरी में देख सकते हैं एक सप्लाई जो है तो डायोड से होकर दोस्तों यह जाता है। देखिएगा मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, तो दोस्तों हर SMPS में आपको सप्लाई मिलेगा तो आपको इसी डायोड के जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसमें आपको सोल्ड करना होगा। और देख सकते हैं मैंने दोस्तों जो है जो मॉड्यूल है और इसके जो 5 वायर है मैंने दोस्तों इसे सोल्ड कर दिया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सोल्ड किया है। मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है 450 वोल्ट वाला, उसमें मैंने ब्लैक कलर का वायर माइनस में, ग्रीन कलर का वायर पॉजिटिव में और बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सभी वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इस प्रकार से भी आपको यह वायर दोस्तों कनेक्शन कर देना है और आपका सप्लाई दोस्तों चाहे कोई भी हो, चाहे टेलीविज़न पर हो और दोस्तों आपका DVD हो और दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं। और आपके पास जो भी ट्रांजिस्टर नहीं मिल पा रहा है, MOSFET नहीं मिल पा रहा है और जो भी दोस्तों सर्किट में लगा हुआ है तो दोस्तों इसे आप जो है निकाल दें और इसके बाद इसे आप इंस्टॉल कर लें। और दोस्तों हमारा यह तैयार हो चुका है, अब मैं इसे आपको चालू करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट सप्लाई जो है तो यह आउट करना शुरू हो चुका है, मतलब दोस्तों हमारा यह कंप्लीट हो चुका है। और आप भी इसी प्रकार से LED TV का पावर सप्लाई, TV का पावर सप्लाई, दोस्तों SMPS पावर सप्लाई कोई भी हो, यदि दोस्तों उसका ट्रांजिस्टर MOSFET STR जल चुका है, ख़राब हो चुका है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इसे बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको बहुत ही कम खर्चे में मार्केट में आपको 50-60 रुपये मिल जाता है। और दोस्तों कोई भी पावर सप्लाई ख़राब है SMPS वाला तो आप इस प्रकार से इसे इंस्टॉल करके और उसे दोस्तों सही कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।